एक और जहां कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र जाने वाली निजी और सरकारी बसों के संचालन पर प्रतिबंध लगा रखा है, जिसके चलते किसी भी तरह के सार्वजनिक परिवहन पर रोक होने की वजह से बसों का महाराष्ट्र आना और जाना प्रतिबंधित किया गया है। जबलपुर आरटीओ को शिकायत मिली थी कि जबलपुर के पुराने बस स्टैंड से कुछ निजी ऑपरेटर बसों के माध्यम से चोरी छिपे यात्रियों को जबलपुर से नागपुर ले जा रहे हैं। इसके साथ ही नागपुर से जबलपुर के बीच अवैध रूप से बसों का संचालन भी किया जा रहा है। यह सूचना मिलने के बाद देर रात जबलपुर आरटीओ और पुलिस ने बस स्टैंड पर छापा मारा। कार्यवाही के दौरान लगभग आधा दर्जन बसें नागपुर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। आरटीओ और पुलिस की कार्यवाही देखकर कुछ बस चालक अपनी बस लेकर मौके से फरार हो गए, तो वहीं पुलिस ने एक निजी ऑपरेटर की एक बस को जब्त किया और बस मालिक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला कायम किया है। दूसरी ओर परिवहन विभाग और पुलिस ने बस ऑपरेटर से यात्रियों के किराए के पैसे वापस कराए और उन्हें रेल मार्ग से नागपुर जाने की सलाह दी। इस दौरान काफी देर तक बस स्टैंड पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा, तो परिवहन विभाग और पुलिस ने बस ऑपरेटरों को नियम विरुद्ध परिवहन न करने की सलाह भी दी। साथ ही परमिट शर्तों का 66/192 का उल्लंघन, इन तमाम धाराओं के तहत इस वाहन को जब्त कर सुरक्षात आरटीओ ऑफिस रखा गया है। साथ ही इन सवारियों को सीएसपी साहब के निर्देश पर इनके किराए की वापसी कराई जा रही है। साथ ही यहां से बस की व्यवस्था कर इन सबको स्टेशन पहुंचाया जाएगा, जिससे ये ट्रेन के माध्यम से अपने गंतव्य तक जा सके। मैं कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन महाराष्ट्र के लिए बंद किया गया है। तो विजन ट्रेवल्स की एक बस थी जो यात्रियों को लेके नागपुर जा रही थी, उसको रोक के इन्होंने चेक किया। उसमें 48 सवारियां थीं, जिनसे निर्धारित मात्रा का जो टिकट है उससे ज़्यादा टिकट लिया गया है, संख्या से ज़्यादा यात्री हैं और नियमों का उल्लंघन है, इसलिए गाड़ी को जब्त किया गया है। यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। आरटीओ साहब के द्वारा उनका किराया वापस दिलाया जा रहा है और आरटीओ साहब उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ से बड़ी स्टेशन उनको छोड़ा जाएगा, वहाँ से वो ट्रेन पकड़ के अपने अपने स्थान पे पहुँच सके। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।